सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु में बहस हो गई कि सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। विष्णु कहता कि तुम मेरे नाभि कमल से आए हो तो मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, लेकिन ब्रह्मा स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तभी उन दोनों के समक्ष एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जो केवल ऊर्जा से बनी थी। फिर एक वाणी सुनाई देती है जिसका ना कोई चित्र था ना ही कोई आकार, जो ब्रह्मा और विष्णु से कहती है जो इस ज्योतिर्लिंग के दूसरे छोर को ढूंढ लेगा वही शक्तिशाली होगा। नमस्कार साथियों, आस्थया चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज की इस दुनिया में कई धर्म हैं और कई कम्युनिटीज भी। उनमें से कई है जो एकेश्वरवाद यानी एक भगवान पर अपनी आस्था रखते हैं, तो कई है जो बहु ईश्वरवाद यानी कई देवी देवताओं को पूजते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक समुदाय के एक ही ईश्वर के बारे में जो सिर्फ एक ही ईश्वर पर यकीन रखते हैं, और आपको बताएंगे कि कैसे वो गलत नहीं है। तो बिना किसी देरी के आपको विस्तार में बताते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को हस्तक्षेप करने के बाद वह आकाशवाणी बंद हो गई, परंतु वह ऊर्जा से बनी हुई ज्योतिर्लिंग वहीं पर थी। फिर ब्रह्मा और विष्णु चल पड़े ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढने के लिए। एक दिन बीता, एक हफ्ता बीत गया, एक महीना हो गया। ब्रह्मा और विष्णु को भ्रमण करते करते कई लाख साल गुजर गए, परंतु वह अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। अंत में जब वह समझ गए कि उनसे भी बड़ी कोई शक्ति है, तब वह दिव्य ऊर्जा से बने शिवलिंग के समक्ष ऊर्जा की एक आवृत्ति उत्पन्न हुई और ब्रह्मा और विष्णु समझ गए कि सर्वोपरि कौन है। उस आकृति ने फिर खुद को शिव बताया और ब्रह्मा और विष्णु को उनके होने का कारण भी बताया कि ब्रह्मा सृजन करता है जो निर्माण करने का कार्य करेंगे, विष्णु को पालनहार यानी नियम को बनाकर सृष्टि को संतुलित रखना, और सदाशिव यानी वह स्वयं सृष्टि को संतुलित रखने के लिए जीवन और मृत्यु, निर्माण और विनाश को संतुलित रखने के लिए वह विनाश के देवता हैं। और संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा और विष्णु दोनों सिर्फ एक चैतन्य से उत्पन्न हुए हैं। मैं यानी शिव वही चैतन्य मात्र हूँ जो मानो तो सिर्फ एक ओम तक ही सीमित है और देखो तो सभी ब्रह्मांडों का स्वामी भी। अब अगर बात करें एक ईश्वरवाद समुदाय की, तो उनके लिए ईश्वर केवल एक है जिसका ना कोई रूप है ना कोई आकार, तो वह सनातन धर्म में बहुत पहले ही बता दिया गया था। और जिस प्रकार चीजें दिखती हैं वह भी इसी सच्चे ईश्वर को पूजते हैं, बस उनके लिए नियम बनाने वाले ने छेड़खानी कर दी है। सनातन धर्म में लगभग सभी चीजों को पूजनीय बताया गया है, नदी से लेकर पहाड़, सूर्य से लेकर आकाश, मनुष्य से लेकर पशु तक, क्योंकि सनातन धर्म में कहीं ना कहीं यह बात जरूर जानते हैं कि वह जो सुप्रीम शिवा है उसी से सभी हैं। एक सरल तरीके से समझाऊं तो 36 कोटि के देवी देवता हैं सनातन धर्म में, जिनमें से हर किसी को कोई ना कोई मनुष्य जरूर पूजता है, परंतु वहीं है हमारे महाप्रभु शिव जिनको ना केवल मनुष्य अपितु संपूर्ण सृष्टि पूजती है, चाहे वह राम हो या रावण। शिव जी को राम भी पूजते हैं तो रावण भी, वरदान मनुष्य को दिया तो राक्षसों को भी दिया है। शिव जी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, बिल्कुल एकेश्वरवाद भी इसी सिद्धांत को मानते हैं ना कि एक ही ईश्वर है जो सबके ईश्वर है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप मानव हैं अथवा दानव। तो ऐसा संभव नहीं कि एकेश्वरवाद गलत है, बस उनके तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन उनका ईश्वर नहीं। दिक्कत वहाँ आ जाती है जब किसी धर्म की स्थापना करने वाले में कोई त्रुटि हो। सभी धर्म में एक चीज कॉमन है, वह है ईश्वर। ईश्वर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जटिल है क्योंकि हम सभी 3 dimensions बींग्स हैं और अभी तक हम 4th डायमेंशन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं इसके विपरीत ईश्वर किसी और ही डायमेंशन के हैं जिनके विषय में सोचने तक की क्षमता हमारे मस्तिष्क से परे है। ईश्वर के किसी और डायमेंशंस के होने के विषय में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी एकेश्वरवाद और बहुईश्वरवादी के बीच समानताएं बता रहे थे कि कैसे सभी में ईश्वर की परिभाषा और महत्व बिल्कुल एक जैसा ही है, अलग है तो बस विचारधारा। और आप सभी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि विचारधारा किसी भी धर्म का उसके संस्थापक से जुड़ा होता है, ना कि उसके ईश्वर से। महादेव, शिव, ईश्वर या जो भी हैं, इन्होंने एक ही चीज़ बताया कि उनसे ही सब है। एकेश्वरवाद बस एक ही ईश्वर तक सीमित रहे और दुनिया को अपने संस्थापक के नजरिए से देखने लगे। वहीं बहुईश्वरवाद इस दुनिया से परे सृष्टि एवं उनके नियम जन्म से मृत्यु तक पहुंच गए। आपने कभी यह सोचा है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने ही क्यों दिया जबकि देवों के देव महादेव हैं? जैसा कि ग्रंथों में लिखा गया है, देवों के देव महादेव हैं,
वह चाहते तो गीता का उपदेश दे सकते थे, लेकिन गीता का उपदेश विष्णु के अवतार ने दिया। नियम बनाने का कार्य श्री हरि विष्णु जी का था। इस बारे में काफी बात हो सकती है, इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचते हैं, इसको यहीं अंत करते हैं। इस विषय में किसी और वीडियो में बात करते हैं कि गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने ही क्यों दिया, जबकि देवों के देव महादेव भी यह कार्य कर सकते थे। लेकिन इस बीच आप सभी कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और सभी के ईश्वर एक ही हैं इस पर आपके क्या विचार और सुझाव हैं। इसके साथ ही यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो या समुदाय का। धन्यवाद।